संत तूने कर दिया कमाल। आज गांधी जयंती पूरे भारत देश में मनाई जा रही है और उसके बारे में हमारे बच्चों को सीख दी गई कि जितना से ज़्यादा इस इनके मार्गदर्शन पर चला जाए और ये हमारे सौभाग्य होगा कि हमें मनाने का मौका मिला और अच्छे हमारे पूरे बच्चे विद्यार्थी और उसमें राजवेदी भैया, राज लखन भैया और हमारा पूरा स्टाफ सम्मिलित रहा। 2 अक्टूबर है गांधी जयंती, आप लोग मनाने का? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर हम सभी सर्वप्रथम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। पूरे रीवा जिले में युवा जागृति यात्रा को लेकर के आदरणीय हमारे जिला संयोजक जी निकल रहे हैं और हर नवदुर्गा पंडालों पर नशा मुक्ति का संदेश, बापू के स्वच्छता का संदेश हम सभी दे रहे हैं। और इसी के साथ ही आज हम सभी आदरणीय सुशील दर्शी अकेडमी पर आए, जहां पास सैकड़ों छात्रों ने आज यह सौगंध ली है कि बापू के उद्देश्य को आगे बढ़ाएंगे, उनके अहिंसा परमो धर्म के नियम को मानते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और 8 अक्टूबर को राजकपूर ऑडिटोरियम में जो क्रांतिकारियों के सम्मान में युवा जागृति यात्रा का वहां समापन होगा और एक बृहद कार्यक्रम होगा, उसमें सभी युवा सम्मिलित होंगे। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय जिला संयोजक जी से कि 2 शब्द भी रखें। 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती मना रहे हैं और उसके साथ ही युवा जागृति यात्रा का जिक्र कर रहे हैं, क्या ये यात्रा? एक यूथ महापंचायत का आयोजन पूरे प्रदेश स्तर पर हुआ था जिसमें रीवा से मेरा भी चयन हुआ था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे युवाओं को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा के भ्रमण पर भेजा था और उन्होंने आह्वान किया था कि आप सब इन शहीदों की माटी से, जो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु हैं, आज उनकी क्रांतिकारिता, उनके महान कार्य जो थे, उनकी शहादत थी, तो हमारी युवा शक्ति जो उससे भूलती जा रही है। तो इस यात्रा के माध्यम से हम सब उनकी पुनः उनके महान कार्यों को याद कर रहे हैं और युवा शक्ति को जागृत करने का हमारा उद्देश्य है कि हम सब जिनकी बदौलत आज जिंदा है, जिनके त्याग बलिदान से हमें आज़ादी मिली, हम सब उन्हें याद रखें, अपने दिलों में उन्हें बसाए रखें। इसलिए इस यात्रा के माध्यम से हम युवाओं को एक संदेश दे रहे हैं क्रांतिकारियों के विषय में, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद। और आज सौभाग्य है कि जो इस आज़ादी के आंदोलन में अगुवाई किए थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनके अगुवाई और जिनके नेतृत्व में इस भारत को आज़ादी मिली, आज सुशील सी ए कॉमर्स अकेडमी में आकर बापू जी के जो विचार थे त्याग अहिंसा, उसे मनाने का भी आज हम सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस यात्रा में हमारे साथ मार्गदर्शन और नेतृत्व कर रहे हैं देवेंद्र भैया, सुशील भैया, सभी के लिए हम सब युवाओं के बीच जा जाके इस कार्यक्रम में ऐसे जगाने का काम कर रहे हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए त्याग और बलिदान दिया, उनके लिए यात्रा निकाली जा रही है ताकि लोग उनको याद रखें, उनकी शहादत को याद रखें। कहीं बहुत सारे युवा भी यहाँ थे, क्या सीख लेनी चाहिए युवाओं को? सीख ये लेनी चाहिए कि किस तरह हमारे सभी क्रांतिकारियों ने, महात्मा गांधी जी ने बिना कुछ मतलब दे दी मुझे आजादी, बिना कड़क, बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो उन्होंने एक ऐसी अलौकिक शक्ति जगाई थी, युवा चेतना उस समय जागृत हो चुकी थी, तो वही आज उनसे प्रेरणा लेते हुए उन्हीं के बताए आदर्श मार्गों पर युवाओं को चलना चाहिए। यही एक सीख आज युवाओं को लेनी चाहिए बापू की जयंती पर, इससे बड़ी श्रद्धांजलि और कुछ नहीं होगी। आज 2 अक्टूबर है, जैसा कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन है और हमारे सुशील सर की जो अगुवाई में हमने कोचिंग में अपना ये समारोह संपन्न किया। तो जो जैसे कि महात्मा गांधी हैं तो उन्होंने अपना जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रखा, तो हमने जैसा कि महात्मा गांधी जी का जीवन संघर्षपूर्ण रहा, उसी तरह हम इनके संघर्षों से कुछ सीख लेना चाहते हैं और उन्हीं के पक्ष चिन्हों पर चलना चाहते हैं। गांधी जी से आप क्या समझना चाहते हैं? गांधी जी से हम यही समझना चाहते हैं कि वो हमारे देश को यही चाहते थे कि हमें देश चाहिए। सबसे प्रथम हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमको देश को एक करना है और उन्हीं के रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बिना किसी लालच से, बिना किसी कारण से, बिना किसी उद्देश्य से देश को सिर्फ आज़ाद करवाया, सिर्फ आज़ादी लेने के लिए। तो हम लोग भी देश को आज़ाद रखना चाहते हैं और देश को एक रखना चाहते हैं। आपने देखा कि कितना जोश है, कितना जज्बा है इन लोगों के मन में, इन युवाओं के मन में, और गांधी जी से है कि प्रेरणा को ये अपने पूरे जीवन जहान पे उतारना चाहते हैं और उनसे ये प्रेरित हो रहे हैं कि हमें अपने देश के लिए सोचना चाहिए, अपने समाज के लिए सोचना चाहिए। हमारे देश की जो कल्चर है बहुत
बहुत प्रभावित हो रही है, बच्चे इसके देशभक्ति से बहुत दूर जा रहे हैं और इस माध्यम से गांधी जयंती मनाने जाते उद्देश्य ये कि बच्चे उस मार्गदर्शन पर चलते रहें, जिस तरह से उनके भावना हमारे समाज में जागृत थी वो भावना हमेशा रहे। देश के प्रति कोई भी हमारा श्रद्धांजलि होती है, कोई किसी भी महापुरुष की जयंती मनाई जाती है, बच्चों उसको सीखें और उससे प्रेरणा लें। जीवन में एक बहुत बड़ा रोल होता है, जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ त्याग दिया उसको तो हम श्रद्धांजलि के मनाकर उनकी रिस्पेक्ट कर सकते हैं, यही हमारा कहना है। यही निवेदन है कि 8 अक्टूबर को सभी शहीदों की शहादत को नमन करने के लिए 2,500 युवाओं का एक बड़ा सम्मेलन किया जा रहा है। मैं रीवा की समस्त युवा तरुणाई को निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग एक दिन भगत सिंह के लिए निकालिए, एक दिन चंद्रशेखर के लिए निकालिए, एक दिन तो बापू के लिए निकालिए। इनका आह्वान स्वीकार करके अपने देश के शहीदों के लिए जिन्होंने अपनी शहादत दे दी उनके लिए एक दिन निकालिए। 8 अक्टूबर को कृष्णा कपूर ऑडिटोरियम पहुंचकर उनको सुने।